स्मृति ईरानी, मोदी सरकार में चाइल्ड एंड विमेन अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी की पहली पहचान बनी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में जबरदस्त अभिनय से। आदर्श बहू के रोल में स्मृति ईरानी लोगों के दिलों में उतर गईं। राजनीति में स्मृति ईरानी को नोटिस किया गया जब उन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी ने वाकपटुता और हाजिर जवाबी से अपनी धाक जमाई। हिंदुस्तान भले ही आजाद हो गया हो या अमेठी की आजादी की जंग है। स्मृति ईरानी राज्यसभा की मेंबर बनी और मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनी। मैं स्मृति जुबिन ईरानी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने 40 साल से गांधी नेहरू परिवार की सबसे पक्की सीट अमेठी में राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया। आज भी जब जब देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो स्मृति ईरानी बीजेपी की स्टार कैंपेनर के रूप में नजर आती हैं। स्मृति ईरानी को हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती और पंजाबी में महारत हासिल है। पब्लिक स्पीकर के तौर पर इनकी डिमांड हर जगह होती है, टीवी का पर्दा हो या राजनीति का मैदान। स्मृति ईरानी ने अपनी खास जगह बनाई है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, उनका संघर्ष और जबरदस्त मेहनत है। केंद्र सरकार में मिनिस्टर, टीवी की एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर स्मृति ईरानी आप मिलती, इसलिए सास बहू के लिए वक्त नहीं निकलता। मैं ऐसे परिवार में जिस परिवार के पास 200 रुपए तक ना हो, और जब लड़की जन्म ले तो लोग कहें कि शायद इसकी किस्मत में लिखा है क्योंकि लड़की है, मात्र ब्याह दी जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। अब ऐसी लड़की जब ना सिर्फ देश की राजनीति में बल्कि देश की मीडिया में भी योगदान दे सके, तो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते इसे मैं घमंड नहीं कहूँगी बल्कि हर लड़की का गौरव कहूँगी कि आप जब जब हमें चुनौती देते हैं तब तब हिंदुस्तान की बेटी या हिंदुस्तान की साधारण परिवार की लड़कियाँ इस प्रकार का हुनर भी रखती रहती हैं और कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा भी उन पर रहती है। रक्षण के लिए मैं अपील करूं, अगर अपनी मातृभूमि के लिए मैं कहूं कि आप कोई शब्द जो निंदनीय हो उसका इस्तेमाल ना करें, अगर मैं ये कहूं कि मेरे देश को विदेशी मिट्टी पर जलील ना करो, तो ये अभद्र टिप्पणी कहां से है? उन्होंने तो ये कृपा कहीं या लीला देखें कि जिस स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते थे देश की राजनीति में, जिस स्मृति ईरानी के संदर्भ में अभद्र से अभद्र टिप्पणी करने वाले को वो अपने संस्थान में प्रमोट करते थे, आज वो स्मृति ईरानी उनके लिए ऐसा सर का दर्द बन गई है कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी एक अदनी अमेठी के सांसद के पीछे पड़ी है। उनकी दुखती रग ये है कि उनका साम्राज्य एक सामान्य परिवार की महिला ने धराशय कर दिया। उनकी दुखती रग ये है कि जिनको वो पॉलिटिकल लेगेसी के बेताज बादशाह कहते थे, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल मर्सी के लिए। अब ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया, और उसकी सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपकी अदालत में कार्यकाल में अमेठी का जो अपमान किया, राहुल जी ने अमेठी में जो विकास ना होने दिया, अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी पूछना चाहती हूँ। निश्चित रूप से हमारे घर परिवार में जब झगड़े होते हैं तो कहा जाता है घर का झगड़ा, क्या हमको हमारी माँ कभी ये नसीहत देती है कि जाओ अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को, देश की सरहद के बाहर जाकर जलील करो? कोई है यहाँ बैठा हुआ? तो मैं आज जनता की अदालत में जनता से पूछती हूँ, क्या आपके देश में लोकतंत्र मर गया है? क्या आप जाके 5 साल में एक बार अपने वोट के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं? अपनी पसंद की सरकार अगर आपकी ना भी हो, अगर आप विपक्ष के किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं तो क्या वो स्वतंत्र अधिकार आपके पास है?
आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी भी नागरिक से ये नहीं पूछा कि तुमने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जो सड़क बनाई उस पर क्या देश का हर नागरिक चलता है? देश के 110 मिलियन गरीब परिवारों में महिलाओं के लिए पहली बार किसी ने टॉयलेट बनाया? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी किसी से कहा कि तुम्हें टॉयलेट तभी मिलेगा जब तुम कमल का बटन दबाओगे? मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें चाहे नरेंद्र मोदी से कोई भी गिला शिकवा हो, क्या तुम हिंदुस्तान को तोड़ने का नारा दोगे? और जो हिंदुस्तान तोड़ने का नारा देता है, क्या तुम उसका समर्थन करोगे? देश में उनका समर्थन नहीं, इसलिए विदेश में जाके राग अलाप रहे हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु के एक स्कूल में दंड पेल रहे थे, कर रहे थे ना? हम सब इस बात के साक्षी हैं कि 2016 में जेएनयू में जाकर उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होने का नारे का समर्थन दिया, दिया कि नहीं दिया? सॉरी रजत जी, जनता की अदालत में जनता तय करे। उनको सालों साल गुलाम बनाया, उस देश में जाकर क्या आह्वान करना चाहिए था कि नारा तो देकर आए रजत जी? अगर आप उनके पार्लियामेंट में गतिविधि को देख लें, ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी और गांधी खानदान ने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, जिसने सार्वजनिक वक्तव्य दिया है कि 4-6 मारो। मेरा आरोप है आज गांधी खानदान के ऊपर कि जिस उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सरेआम जाकर कहा उनके लोगों को मारो, मैं नहीं बोलने वाली यहाँ पर, उनको चुनकर भेज रहे हैं गांधी खानदान के लोग, सब इस बात के साक्षी हैं। देश के उपराष्ट्रपति चेयरमैन है राज्यसभा के, हमारे देश में कभी ऐसा? मैं आप सब नौजवानों से पूछ, पे चढ़ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुक्स फेंको, कागज फेंको, दैट इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस, हमारा स्पीकर नहीं, बीजेपी का स्पीकर नहीं, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यू आर द पीपल, आप हो जिसके हम जनप्रतिनिधि और नौकर बन के जाते हैं, हम आपके नौकर हैं। और आपके जो नौकर हैं, जो लोकसभा में जाएंगे, उस पीठ पर राहुल गांधी के निर्देश अनुसार, सोनिया जी के निर्देश अनुसार कागज फाड़ के स्पीकर के चेहरे पर फेंका जाता है, ये स्वीकार है क्या जनता को? बंद होगा। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा उनका दुर्भाग्य है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये सब जनता है, पब्लिक है भैया, सब जानते हैं। अब गलती से मुझसे रजत जी, कांग्रेस करे गलती और भुगतान करे जनता, यही एक फर्क है। राहुल गांधी को अगर आप कांग्रेस की गलती कहते हैं तो उसको टैक्स पेयर क्यों भुगते हैं? उसको देश क्यों भुगते हैं? देश को जाकर विदेश में बदनाम क्यों करे? और बदनाम किया, झूठ बोला, लेकिन विदेशी ताकतों का आह्वान कर दिया कि आओ। ये यंगस्टर्स के बारे में दोबारा कहती हूँ रजत जी, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी का और बड़ा होना मतलब इनका भविष्य उज्जवल होना। राहुल गांधी ने जाकर इनके ऊपर हमला किया है लंदन में, हम तो लड़ लेते हैं संसद में, हम लड़ लेते हैं चुनाव की युद्ध भूमि पर, इनके भविष्य पर हमला किया है। हमारे ऊपर आर्थिक इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं हो रहे, ये उनकी दुखती रग है। अगर हिंदुस्तान पर आर्थिक कोई विदेशी ताकत कटाक्ष करती है, अर्थतंत्र पर हिंदुस्तान के हमला होता है, इनके सपने धूमिल होते हैं। ये सिर्फ देश पर, मोदी पर नहीं, ये नौजवान पीढ़ी पर धावा बोला है। और आपको लगता है चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे कि लोकतांत्रिक ढांचे हिंदुस्तान में तबाह हो गए? नहीं कहा। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये जनता बैठी है और मैं तो धड़ल्ले से आ सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, आप कभी रजत जी राहुल गांधी को न्योता देके देखिए, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हो रहा था, यंगस्टर सब जा रहे थे और सामने से सीधा आपकी छत जो है स्टेडियम की वो गिर रही थी, तो क्या यंगस्टर्स आनंदित थे? तो देश में 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, ये देश विदेश सब जानते थे। इंडिया अपने आप में मुझे किसी अमेठी के हमारे नागरिक ने बतलाया कि दीदी 2014 से पहले इटालियन जो इकोनॉमी है वो नंबर 5 पे थी और हिंदुस्तान जो है वो नंबर 8-9-10 पे थी, अब उल्टा हो गया रजत जी, हम 5 पे हैं वो 10 पे हैं।
वो कहते हैं कि हमें एक सेकेंड ये भी का ये कहना है कि उन्होंने जानबूझकर असैसिनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि फौजी के परिवार से हैं, आप में से कितने लोगों ने कहा कि मेरे परिवार ने बलिदान दिया इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। यहाँ जितने लोगों ने फौज के परिवार होने का कहा, खड़गे जी उनको बोल रहे हैं क्या? मैंने आपके सामने प्रमाण दिखाया, इनको कुत्ता कह रहे हैं, हमको कुत्ता कह रहे हैं। अब ये तो खड़गे मतलब अगर इनके नाम के पीछे गांधी, इनके पुरखों के बलिदान की कोई औकात नहीं। बच्चे ही बोलूंगी मैं, तुम्हें अगर कोई कहे अपने देश के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरना है, तुम में से कितने लोग अपने देश से उसकी कीमत मांगोगे? ये नया भारत है रजत जी। अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता, ये कीमत नहीं वसूलता अपने बलिदान की, ये कीमत नहीं वसूलता अपने योगदान की। ये वो भारत है जो आज से 25 साल का भारत कैसा होगा वो बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते कहती हूँ, अगर आप मुझसे पॉलिटिकली पूछेंगे रजत जी, तो मैं तो कहती हूँ, कई लोग इसका उपहास भी करते हैं कि स्टार प्रचारक है हमारे लिए राहुल गांधी, जितना बोलेंगे बड़ी कृपा होगी और बोले। तो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं, मान लीजिए अदालत में कोई भी जनता ना बैठे, मान लीजिए जज साहब की कुर्सी पर कोई विराजमान ना हो, मान लीजिए क्लर्क उपस्थित ना हो, सिर्फ कैमरा हो, रजत शर्मा हो और राहुल गांधी, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर एक कि जब देश पर कोरोना का संकट आया, तब ये कहने की बजाय कि आओ हिंदुस्तान में हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, वो विदेशी वैक्सीन का क्यों बार बार हिंदुस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे थे, तब पूछ लीजिए। दूसरा उनसे पूछिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम लोग हर नागरिक को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिखाएं, गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ गांव में किसी को फोन चलाना नहीं आएगा, क्या हिंदुस्तान का अपमान नहीं है? आज हम गौरव करते हैं कि UPI के अगर आप साल 2022 का ट्रांजैक्शन देख लो, 126 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन साधारण हिंदुस्तानी ने, गांव में बैठे हिंदुस्तानी ने किया UPI से। कदम राहुल गांधी को क्यों रास नहीं आते, और मैं बताती हूँ क्यों रास नहीं आते। 2014 से पहले, और ये छोटे नहीं जो बड़े हैं वो समझेंगे, गरीब को अगर बैंक अकाउंट खुलाना होता तो बैंक का दरवाजा ही कभी नहीं खुलता, क्योंकि उसके पास ना कागज होते ना मिनिमम बैलेंस होता। नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए हम मिनिमम बैलेंस नहीं लेंगे, हम बैंक को भेजेंगे गरीब के घर पे और उसका खाता खुलवाएंगे। ठीक, 480 मिलियन बैंक के खाते खुले, ठीक है, 480 मिलियन बैंक के जब खाते खुले 48 करोड़, तो सीधा भारत की तिजोरी से पैसा गया उस बैंक के खाते में, 28 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा गया सीधा गरीब के खाते में। अब प्रश्न मैं आपके पास छोड़ती हूँ, ये बैंक का खाता नहीं होता, 28 लाख करोड़ रुपया कहाँ जाने वाला था? कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है, लेकिन वो तो कहना है मोदी को मारो, उनके नेता का वक्तव्य है, राहुल गांधी इसको मना नहीं कर सकते। उनके नेताओं ने तो एयरपोर्ट पे बैठकर उस एयरलाइन के पास कह दिया मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लोकतंत्र की आपको ताकत दे, आपके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी कांग्रेस वाले धड़ल्ले से देते हैं, और आपका प्रधान सेवक मुस्कुराते हुए अपने काम में रहता है। कि आपके प्रधान सेवक की मृत माँ और मृत पिता का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, माँ मर गई 100 साल की, उसके बाद क्या क्या कांग्रेस ने। मैं आज पूछती हूँ यहाँ पर जितने लड़के लड़की बैठे हैं, तुम्हारे बाप को कोई गाली दे, माँ को कोई गाली दे, तुम में से कौन चुप बैठेगा? लेकिन मोदी चुप बैठे हैं क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं,
उनको विष का एक घूंट हर दिन पीना है। और जहां तक अडानी की है, अगर कहीं भूले बिसरे मिल गए आपको राहुल गांधी, तो नंबर एक, जब उनकी माता जी मुखिया थी यूपीए की सरकार की, तो क्या उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था? दूसरा क्वेश्चन कि जिन गहलोत साहब को बहुत प्रेम करते हैं राहुल जी, क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज अडानी जी ने राहुल जी के आशीर्वाद से किया था? तीसरा प्रश्न, जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोला जाना है वो सिखाते हैं, क्या उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में कोल का काम करने के लिए अडानी समूह को विशेष प्रावधान, सहायता, सहयोग कांग्रेस के राज्य में हुआ था? चौथा प्रश्न कांग्रेस को कि जब 1990 के दशक में चिमनलाल जी ने पोर्ट बनाने के लिए गुजरात में जमीन दी, तब क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे? 1985 में एग्जिम पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया, राजीव गांधी कौन है? जानती है, अगर कोई अनजान है तो सिर्फ राहुल गांधी। ये शूरवीर कौन है? उनका नाम नहीं बता सकता। उससे स्मृति रहन तक का सफर मैंने 9 सालों में पूरा कर दिया। कुछ दिन तो गुजारो अमेठी में। हाँ, जेल में। राजेश जी बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हूँ कि एक है जिन्होंने चारे में भी घोटाला किया, रेल में भी घोटाला किया, और घोटाले में लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का मैंने अखबारों में पढ़ा है कि स्पॉइल्स ऑफ करप्शन पकड़ा गया, जिसके वर्चस्व पकड़ा गया हो, जो आपके पैसे की लूट हो, उसको क्या करना चाहिए? सलाखों के पीछे करना चाहिए, ये जनता की राय है, लेकिन सलाखों को पीछे करने के लिए या व्यक्ति को सलाखों के पीछे करने के लिए एक लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन है, ना जनता। और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस को, जुडिशियल प्रोसेस को पूर्ण होना दें। तो अब अगर ऑपोजिशन कहता है कि ये प्रोसेस में गतिरोध लाने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, तो मेरा तो मंतव्य यही है कि जब आप सत्ता में हो तो यूपीए लूटेगी, जब ऑपोजिशन में हो तो सफोकेट हो जाएगी क्योंकि आपने करप्शन किया, करप्शन का पैसा नहीं पकड़ा। कि अभी उनके पास वक्त नहीं हिसाब करने का। अब से देखिए, पहले बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ कल आना, फिर बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ जब मैं कहूँ तब बुलाना। मैं आज बिजी हूँ, आज बीमार हूँ, आज मैंने ऑक्सीजन लगा रखा है, लेकिन मैं सिंगापुर घूमूंगा और मेरे आसपास कोई ऑक्सीजन का टैंक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सबसे बड़ी, मुझे लगता है ताकत ये है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जनता के पास तथ्य बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो देश क्या चाहता है, कि उनको छोड़ दे? देश को अपना समय निकालना पड़ता है। अगर वाकई में दुश्मनी का कोई ना कोई परिचय देना होता तो 9 साल नवाज जी घूम रहे होते खुले, कोई तथ्य नहीं होता तो केस खारिज नहीं हो जाता। ये तो मनीष के बारे में कोई सवाल मत करो।